सौरभ भाई आए तो अब एक छक्का पड़ा है। अब जट भाई बुरा हाल है भाई, ऐसा हो रहा है कैमरा निकालने का मन भी नहीं हो रहा। क्या क्या बताऊं उसके अंदर क्या हो गया। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज भी मेरे पास बहुत सारी न्यूज है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सौरव जोशी जेट प्रभजोत तो फ्लाइंग बिस्ट मिले इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में, और वहां पर क्या कुछ हुआ मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप वीडियो तो पूरा देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करे बिना चले जाते हो। हमारे मैच में कुछ हालात ठीक नहीं चल रहे थे, अब सौरभ भाई आए तो अब एक छक्का पड़ा है। अब धूप भी निकल आई है, सूर्य देव को भी लेके आए। अब थोड़ी पिच अच्छी होगी, थोड़ी सी बारिश में पिच धीमी हुआ थी, स्विंग भी ज्यादा हो रहा था। होपफुली अब चट भाई बुरा हाल है भाई, ऐसा हो रहा कैमरा निकालने का मन भी नहीं हो रहा। क्या क्या बताऊं उसके अंदर क्या हो गया रहा है भाई। मुझे लगता है एक दो घंटे में वापस जाने का टाइम आ जाएगा। हाउ मच फॉर दिस पिज्जा? 3000। ये सही है भाई, वीडियो कॉल में घर पे मैच दिखा रहे। 1+1 टिकट इन्होंने कर दिया। ये देखो ये वीडियो कॉल पे उनको मैच दिखा रहे हैं। 4 विकेटों पर हमने बिल्कुल उम्मीद छोड़ी थी, लेकिन ईशान और हार्दिक भाई ने बहुत संभाला। ईशान 81 पर आउट हो गया, सेंचुरी का चांस होता। अगर इस मेन मैच में ईशान की जगह सेंचुरी आती ना भाई, अच्छा रहता उसके लिए, बहुत टीम के लिए अच्छा रहता। बहुत अच्छा खेला भाई ईशान ने, स्पेशली क्योंकि उसको ना पिक एंड ड्रॉप करते रहते हैं। उसको खुद भी है कि मेरे को मिलेगा कि चांस के, नहीं तो बहुत अच्छा रहता ईशान का करना। बहुत दुख हुआ यार।